हेलो फ्रेंड्स, अस्मिताज फूड जोन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम तुरई। इसका छिलका निकालकर इसे अच्छे से धो लिया है और इसे इस तरह से लंबाई में काट लिया है। अब तुरई को बड़े से बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच बेसन, 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ी सी नींबू का रस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से तुरई के साथ मिल जाए। A few moments later. तो आप 5 मिनट बाद देख सकते हैं मसालों के साथ तुरई अच्छे से कोट हो गई है। अब चलते हैं इसे हल्का सा फ्राई करने। मसाले वाले तुरई को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले वाले तुरई और अब इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तुरई को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। और अब गैस को बंद करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और साथ ही साथ सब्जी में और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। तेल को गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। खड़े मसालों को हल्का सा पका लेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 चॉप की हुई प्याज। प्याज में हल्का कलर आने तक इसे भून लेंगे। प्याज में हल्का कलर आ गया है तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और अब इसे भी प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि तुरई में भी हमने नमक डाला है। और अब सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 दरदरा पीसी हुई टमाटर। टमाटर को मिक्स करते हुए इसे थोड़ी देर पका लेंगे। मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अब टेम्परेचर को लो करने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी। इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच फेटी हुई दही। दही को मिक्स करते हुए इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे थोड़ी देर पका लेंगे। दही को मसालों के साथ थोड़ी देर पका लिया है और मसालों में से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और अब इसमें डाल देंगे मसाले वाली तुरई। अब इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तुरई को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक कर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। A few moments later. 4 से 5 मिनट हो गया है। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में काफी अच्छी कलर आई है और इसमें से खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। इसे भी मिक्स कर लेंगे
ये बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग बनी है। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।